से मैं डॉक्टर मनोज प्रसाद, प्योर आयुर्वेद एंड पंचकर्म प्रैक्टिशनर इन पुणे सिंस लास्ट 10 इयर्स। आज हम बेली फैट लॉस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद ने कौन सा भी वजन घटाने के लिए डाइट और व्यायाम बोले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं विदाउट डाइट विदाउट एक्सरसाइज हफ्ते में 5 किलो महीने में 10 किलो वेट लॉस होता है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। आपको परमानेंटली वेट लॉस करना है तो आपको डाइट और कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी आयुर्वेद ने क्या बोला है, आयुर्वेद ने ऐसा बोला है आप सुबह जल्दी जाग लीजिए और रात को जल्दी सो जाइए। सुबह जल्दी जल्दी जागने के बाद आपको जो वेट लॉस के लिए जो एक्सरसाइज है वो भागने का, मतलब जो रनिंग का एक्सरसाइज है वो बहुत ही वेट लॉस के लिए फायदेमंद होता है, बेली फैट लॉस करने के लिए फायदेमंद होता है। एक्सरसाइज मतलब भागने की जो एक्सरसाइज है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ आप योगा की मदद ले सकते हो। योगा टीचर के अंडर आप पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये आसन करते हो, और कोई दूसरे आसन है, बहुत से आसन है वो करेंगे तो आप इसके ऊपर बहुत जल्दी विजय पा सकते हैं। अभी एक्सरसाइज होने के बाद सुबह सुबह जो गर्म किया हुआ पानी हल्का सा जो गुनगुना होता है उसमें आप 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद ऐसा मिक्स करके सुबह सुबह पियेंगे तो भी बेली फैट जो होता है वो कम होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा जो है, जो हम पतीले में जो चावल बनाते हैं और जो ऊपर का जो गंजी होता है वो हम सेवन करते हैं, तो गंजी का सेवन करने के बाद हमारा वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से कम होता है, तो गंजी का सेवन भी हम कर सकते हैं। तीसरा है सुबह सुबह हम त्रिपरा चूर्ण एक होता है वो हम शहद के साथ 1 या 2 चम्मच आपके प्रकृति के हिसाब से एडवाइस करते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अभी ये होने के बाद बहुत से लोगों को ब्रेकफास्ट की आदत रहती है। अभी ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए, जो षष्ठी चावल जो आते हैं उसका जो लाया मिलता है मार्केट में उसका आप एक कटोरी सुबह सुबह सेवन करना है, इससे भी हमारा वेट लॉस होता है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। अभी ब्रेकफास्ट होने के बाद जिसको भूख लगती है और जिसको ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है तो उन्होंने डायरेक्टली 10 से 11 बजे तक जो सुबह का खाना होता है उसमें सब्जी रहेगी, चावल रहेगी, रोटी रहेगी, सैलड रहेगी, छाछ रहेगा, ये सब लेना है, लेकिन चावल जो है वो कुकर का, प्रेशर कुकर का बना हुआ चावल खाना नहीं चाहिए। जो पतीले में जो चावल बनता है वो आप चावल खाएंगे तो इससे वेट बढ़ नहीं सकता, लेकिन वो चावल का भी क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। अब ये सुबह का खाना होने के बाद दोपहर बहुत लोगों को भूख लगती है, तो दोपहर को भूख लगने के बाद आप एक आधा फल मतलब संतरा रहेगा, मौसमी रहेगी, अनार रहेगा, पाइनएप्पल रहेगा, ये फल का जूस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो फल वैसे ही डायरेक्टली चबा चबा के आप खाना चाहिए। अभी ये फल कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता तो आप छाछ भी, फ्रेश जो घर में छाछ बनता है उसका जब छाछ बनाते समय जो ऊपर का मक्खन आता है वो सब निकाला हुआ छाछ लेना चाहिए, मक्खन वाला छाछ या लस्सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। छाछ में थोड़ा सा आप ओवा, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे तो भी चलता है, लेकिन उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अभी ये होने के बाद रात का खाना क्या लेना चाहिए, रात का जो खाना होता है आप ज्वार की रोटी और एक आधा फल सब्जी खा सकते हो। रात का खाने में थोड़ा सा चावल अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बेली जो फैट होती है वो कम कर सकते हैं। अभी ये बहुत लोगों की आदत ये होती है कि सुबह का खाना और रात का खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाने की आदत होती है, लेकिन ये स्वीट डिश खाने की आदत वेट बढ़ाती है, तो आपको ये स्वीट डिश लेना है तो कम मात्रा में आपको खाने के पहले थोड़ा ही कभी कभी लेना चाहिए तो इसका आपको फायदा हो सकता है। बहुत लोगों को दोपहर का खाना होने के बाद दोपहर को सोने की आदत होती है, वो भी बहुत ही बेकार आदत है, इससे भी हमारा वेट बढ़ जाता है, तो आपकी जो बुरी आदत है आपको वो निकालना चाहिए। आपका वेट ये करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो आपके जो नजदीक वाले जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से आप औषध उपचार पंचकर्म चिकित्सा लेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बेली फैट कम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करते हैं, आपके प्रकृति के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से
डायग्नोस करके औषधोपचार और पंचकर्म। पंचकर्म में वमन, विरेचन, भस्त्रिका, आपके प्रकृति के हिसाब से हम कौन सा भी एक ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे हमें बहुत ही अच्छा बढ़िया फायदा होता है। तो आप ये ट्रीटमेंट आपके जो नजदीक वाले डॉक्टर हैं उनके सलाह से जरूर कर लीजिए। वेट लॉस के बारे में आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम हमारा प्रयास जल्दी से जल्दी आपका प्रश्न का उत्तर देने का रहेगा। धन्यवाद।